हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है दिन है मंगलवार और सुबह का अभी 7:30 हो रहा है। हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने और मेरी सिस्टर भी आई हुई है। वो आ गई है अभी और वो ही सूट कर रही थी। और जो फ्रॉक छवि ने पहना था ना, वो फ्रॉक थोड़ी सी मतलब उसका जो डिज़ाइन था वो निकल गया था, तो मैं उसी डिज़ाइन को ही सही कर रही थी, फ्लावर जो उसमें बना था। आप जानते हैं आजकल का जो फ्रॉक वगैरह में जो डिज़ाइन देते हैं बहुत जल्दी निकल भी जाता है। तो ये देखिए, मैंने अपने पैरों में महावर भी लगा लिया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना, पैर में महावर, हाथों में चूड़ियाँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मंदिर जाने से पहले मैं महावर लगा लेती हूँ, हमेशा मैं लगाती रहती हूँ और पूजा में शुभ माना जाता है इसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दूसरा सोमवार है सावन का, तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए, ये वाला सूट पहना है, ये देखिए। और इसी का लेस मैं निकाल रही थी, मैं आप पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये वाला सूट पहना है। और छवि धरा और रुपेश आओ जल्दी। ये देखिए, छवि ने ये वाला फ्रॉक पहना है, ग्रीन कलर का यही था तो मैंने इसको यही पहनाया है। और अभी मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने ब्लॉग को अभी सुबह ही स्टार्ट किया, इस समय 7:30 हो रहा है और अभी मैं मंदिर से आ जाऊँगी, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। रुपेश आओ, रुपेश से भी मिल लीजिए, वो भी खड़ा है लाइन में। ये देखिए, इसने भी देखिए पहना है। इसके पास ग्रीन टी शर्ट नहीं है इसलिए मैंने इसको ग्रीन नहीं पहनाया है, बाकी छवि के पास था तो पहन ली। और अभी मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो फ्रेंड्स, मैं गेट को बंद कर देती हूँ और हम मंदिर जा रहे हैं। मैं और कहीं नहीं जा रही हूँ, ना मार्केट जा रही हूँ, ना कहीं और जा रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। बाकी लोग निकल गए थे, वो पहुँच भी गए होंगे। मैं, रुपेश और हस्बैंड एक साथ जा रहे थे और हम मंदिर पहुँच भी गए। मंदिर हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। और मैं आप सभी को शंकर भगवान का दर्शन करा देती हूँ, ये देखिए। और अभी मैं और हस्बैंड एक साथ पूजा कर लेते हैं, फिर मैं बच्चों को भी पूजा करा देती हूँ। और ये मेरी सिस्टर है और उनके हस्बैंड है, वो हम चारों लोग साथ ही पूजा कर रहे थे। तो वो देख रहे थे कि पहले दीदी और भैया जो हैं वो जल चढ़ा लेंगे, फिर मैं चढ़ाऊँगा। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं था वहाँ पर, इसलिए मैं हमने मास्क भी नहीं लगाया था। और आप कान्हा जी से मिल लीजिए, राधे राधे कान्हा जी। बच्चों ने भी पूजा कर लिया है और मैं सिर्फ शंकर जी का ही थोड़ा सा सूट की थी, क्योंकि मैं पहले सोमवार को जब गई थी तो मैंने सभी जितने भी इस मंदिर में देवी देवता हैं उन सभी का दर्शन कराया था। पर इस बार मैं सभी का नहीं कराई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पूजा कर लिया है, बाकी लोग वहाँ कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा जलाइए। हमारा पूजा हो गया और अब हम घर से ही, हरियाली है, ये देखिए। अब हम मिलते हैं घर पर, क्योंकि अब मैं घर जा रही हूँ, तो मिलते हैं घर पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम मंदिर से जा रहे थे तो वहाँ दो सफाई कर्मचारी थे, मंदिर का जो देख रेख करते हैं, सफाई करते हैं। तो हस्बैंड ने उन्हें कुछ पैसे दिए कि आप मतलब नाश्ता कर लीजिएगा। और अब हम घर आ गए हैं, मैं गेट खोल रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग काफ़ी लोग गए थे मंदिर में पूजा करने, सब बहन भी आ गई थी, हम सब ने अच्छे से दर्शन कर लिया। और कान्हा जी भी आप लोग से मिलना चाह रहे थे, तो बार बार आप लोग को दर्शन दे रहे हैं, तो उन्हें राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। फिर मैंने सभी को पानी और चाय दे दिया है और वो अभी बैठ के बातें कर रहे हैं। मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। जब तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें अरवी डाल दिया है और अरवी को लाल होने तक मैं भून लूँगी। और ये बॉयल अरवी है, मैं इसे उबाल कर, छील कर, कट कर कर मंदिर गई थी। और अभी मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाला है। जब वो लाल हो गया है तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डाल दिया। फिर मैं तुरंत ही मसाला, कच्चा मसाला मैंने बनाया था आज, जैसे कि सरसों, लौंग, इलायची, फिर जीरा और थोड़ा सा धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्चा, इस सभी का ये पेस्ट है। तो मैं इसे भून लेती हूँ। और हमारे यहाँ इसे कच्चा मसाला बोला जाता है, जिसमें सरसों नहीं हम डालते हैं उसे हम गरम मसाला बोलते हैं।
ऐसे हम कच्चा मसाला ही बोलते हैं। और मैंने नमक हल्दी अभी डाल दिया है और इसे भून लूँगी। तब तक भूनूँगी जब तक ये तेल अच्छी तरीके से ऊपर ना दिखने लगे। इस तरह से अरवी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैं कई तरीक़ों से अरवी की सब्ज़ी बनाती हूँ। एक मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, ये सेकेंड तरीके से बनाई हूँ आज, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मसाले भुन गए हैं, फिर मैंने अरवी को जो फ्राई करके रखा था तो उसे मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे मैं मसालों को मैं अरवी पे कोट करके अच्छी तरीके से इसे भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये देखिए फ्रेंड्स, अरवी कितनी अच्छी तरीके से पक गई है। और दिन भर की शूट मतलब धूल गर्मी। और अभी इवनिंग का समय हो रहा है, सिस्टर चली गई है अपने घर। जब मैं उन्हें खाना खिला रही थी तो मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी उन्हें खाना देना था, उन्हें भी कहीं जाना था उनके हस्बैंड को। और बच्चे भी फिर सो गए थे, फिर अभी शाम को सब उठे हैं तो मैंने बेडशीट क्लीन किया है। और बाकी जो कपड़े हैं वो सूख गए हैं तो मैं उन्हें फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दूँगी। और लंच सभी को बहुत अच्छा लगा, अरवी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी। और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं लोहे की कढ़ाई में अरवी की सब्ज़ी बनाऊं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी जो बनती है वो बहुत ही टेस्टी होती है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी जो बनी होती है उससे हमें आयरन बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। लोहे की कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनती है तो बच्चे उतना नहीं पसंद करते क्योंकि थोड़ा कलर उसका ब्लैक हो जाता है, पर आयरन तो भरपूर मात्रा में उसमें मिलती है। मैं तो हमेशा उसमें सब्ज़ी बनाती पर रुपेश को अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल नहीं खाता है, इसलिए मुझे एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाना पड़ता है। और अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने तेल को गरम कर लिया है, पनीर को कट कर लिया है मैंने। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक थोड़ा सा पहले 5 मिनट पहले इसमें मैंने मिक्स करके पनीर के ऊपर सब छोड़ दिया था। और अभी मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। शाही पनीर की रेसिपी मैंने शेयर की है आप लोग के साथ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो पनीर फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूं। इसी तरीके से मैं बाकी पनीर को भी फ्राई कर लूंगी। और ज़्यादा ऑयल था तो मैंने ऑयल भी निकाल लिया, थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने उसमें 2 चुटकी जीरा डाला। जीरा जब ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, लहसुन मैंने इसे डाल दिया है। मैं इसे हल्का सा ही बस भून लूँगी, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और ये देखिए अब इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये 2 बड़े बड़े टमाटर थे, मैंने उन्हें कट कर लिया, उसे डाल देती हूँ अब। और बस थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब मैं इनकी प्यूरी बना लूँगी। अभी मैं इसे ढककर छोड़ दूँगी कि टमाटर जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। अब बीच बीच में चेक करते रहिए कि टमाटर सॉफ्ट हो गए या नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं ये गैस ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका प्यूरी बना लूंगी, बिल्कुल बारीक प्यूरी बनाना है हमें। और अभी मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें मैंने 2 लौंग और 1 इलायची डाल दी है। जब वो भून गया है तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। और अब मैंने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर और प्याज की वो मैं डाल देती हूँ और इसे मैं भूनती रहूँगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इसे भुनेंगे तो इसमें से बहुत छींटे उगते हैं, तो बहुत सावधानी के साथ आप इस मसाले को भुनिएगा। मैं तो लिड लगा के ही भूनती हूँ, लिड लगा लेती हूँ जब मसाले में से पानी सूख जाता है तब मैं फिर लिड ओपन करके भूनती हूँ। और अभी मैंने इसमें मटर डाल दिया है, सफ़ल मटर है ये, और मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, बाकी का नमक मैं बाद में डाल लूँगी। और मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है। और दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ जीरा राइस बनाने, तो जीरा राइस के लिए मैंने 1 चम्मच घी डाला था, 1/2 चम्मच जीरा डाला था। जीरा जब थोड़ा ब्लैक हो गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिया है, चावल को मैं 2 मिनट भून लूँगी, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, चावल जितना होगा उसके हिसाब से पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से चला दूँगी। फिर मैं इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल दूँगी और इसे बंद करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। और मसाला जो है भून गया है तो मैंने इसमें पनीर डाल दिया, ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। और अब मैं अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। कस्तूरी मेथी डालने से टेस्ट और उभर के आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और सब्ज़ी जो है वो बन गई है। जस्ट चिल। जस्ट चिल क्या होता है?
रोटी ले लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज का जो दिन है वो मंगलवार है, समय जो है वो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और कल की वीडियो को मैं एंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी एंड कर लूँगी और आप लोग से बातें भी कर लूँगी। तो अभी ना मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब धूप हो जा रहा है, कब छांव हो जा रहा है। अभी तो बदरी हो गया है और हमें गेहूं भी सूखवाना था, आटा ख़त्म हो गया है, पर देखिए कैसे सूखता है। सुबह में धूप अच्छी हुई थी तो मैंने सोचा कि धुल लेती हूँ, फिर जब नेट पे देखा तो दिखा रहा था कि तो उसमें मौसम दिखा रहा था कि मतलब मौसम जो है 12 बजे के बाद बदरी होगा, दिन भर पूरा धूप नहीं रहेगा, इसलिए मैंने गेहूं को नहीं धुला है। देखते हैं, और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, मार्केट से आएगा आटा या कुछ करेंगे, क्योंकि हम जो घर का गेहूं होता है उसे अच्छे से धो के सुखा के उसकी जो गंदगी होती है वो निकाल देते हैं, फिर उसे हम लोग पीसने भेजते हैं। और पैकेट का आटा आता है तो उस पर हम उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो आटा कैसा है, वो धुला हुआ है या साफ़ है या नहीं है। तो देखते हैं, अगर मौसम ठीक होगा तो गेहूँ धुलेंगे, वरना वही मंगा के खाना पड़ेगा बाहर का आटा। मैं हमेशा गेहूँ समय से धुल लेती हूँ, पर आज काफ़ी दिन से जो है बदरी है और मैंने लंच भी बना लिया है, पर किसी ने अभी लंच किया नहीं है। तो वीडियो को एंड करती हूँ, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और अब हम मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।